In this video, I'll start exercise 13.2. In 13.1, we had learnt about finding the total surface area of various objects. Combination था objects का और उसका हम लोग surface area निकाल रहे थे. इसमें हम लोग अलग अलग combination का volume निकालेंगे तो वो और भी easy होगा. जैसे first question है कि एक solid है is in the shape of a cone standing on a hemisphere. मतलब एक hemisphere है, उसके ऊपर कोन बना हुआ है इस तरह से. दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर, तो r इक्वल्स टू 1, और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, मतलब हाइट भी 1 है. तो ये पूरे शेप का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर. बोला फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तो लिखेंगे गिवन R equals to 1 centimeter, H equals to 1 centimeter. Therefore, volume of the solid equals to volume of cone plus volume of hemisphere. ये इस तरह से लाइन लिखना जरूरी होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला मत लिखना क्योंकि तब समझ में आता है कि किसको किसको ऐड करना है. तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब. दोनों का रेडियस सेम है इसलिए दोनों के लिए स्मॉल आर ही लिए हैं. यहाँ ये 1 का स्क्वायर और हाइट के बदले 1, यहाँ 2/3 पाई और 1 का क्यूब. 1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो ये अल्टीमेटली आया पाई बाई 3 प्लस 2π/3. 3 एलसीएम लेकर इस तरह से ऐड होगा तो आंसर आ गया पाई, और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब. तो बोला था कि इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ देना है, तो यही फाइनल आंसर रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड. तो ये शेप रह रहा है, एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड में इस तरह से कोन है. डायमीटर ऑफ द मॉडल दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 3/2 सेंटीमीटर, और हाइट लेंथ दिया है 12, मतलब ये टोटल लेंथ है 12, और हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी 2 होगा. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो रहा है? 12 माइनस 2 माइनस 2. तो लिख रहे हैं हाइट ऑफ कोन कॉमा स्मॉल एच 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कॉमा कैपिटल एच, ये होगा 12 माइनस 2 माइनस 2 8 सेंटीमीटर. तो अब आर और एच पता है, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल, अंदर में कितना हवा है, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखने से ही हो जाएगा. तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर 2 इंटू कर देंगे, और सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच लिखना होगा क्योंकि रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट अलग है. अब यहां पुट कर रहे हैं 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले 3/2 स्क्वायर और हाइट के बदले 2. यहां पर आया 2 × 1/3 पाई, ये बन जाएगा 9/4. ऊपर का दोनों 2 4 के साथ कट गया और यहां 3 के साथ कट गया, तो यहां आया 3 पाई और यहां आया 18 पाई, ऐड होकर 21 पाई. अब पाई के बदले 22/7 पुट कर देंगे तो 22 × 3 66 सेंटीमीटर क्यूब. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो वो ध्यान से करना होगा. एक गुलाब जामुन का शेप है कि सिलेंडर है
और साइड में टू हेमिस्फीयर्स है, हालांकि वो देखने में पूरा ही सिलेंडर स्फीयर लगता है गुलाब जामुन, बट इसका शेप इस तरह का है, बीच का सिलेंडर, साइड में दो हेमिस्फीयर। तो एक गुलाब जामुन के अंदर 30% सिरप होता है, तो कितना सारा सिरप होगा 45 गुलाब जामुन्स में। तो सबसे पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालने के लिए 30% ऑफ दैट वॉल्यूम करेंगे, फिर टोटल सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इनटू 45। तो जब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, डायामीटर है 2.8, तो रेडियस होगा 2.8 बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सिलेंडर का हाइट कितना होगा, साइड से दोनों रेडियस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि हाइट तो यहीं तक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है दोनों का रेडियस वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर कॉमा h इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 सेंटीमीटर, मतलब 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ये क्या होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब πr² और h। यहां से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 4/3 बच रहा है, और 3 आ रहे हैं, हम लोग 2 आर लिए तो 1 आर बच रहा है, और यहां से स्मॉल h बच रहा है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सो क्या हुआ था पीछे में, पाई आर स्क्वायर 4/3 आर और h, 22/7, यहाँ 1.4 का स्क्वायर, यहाँ 4/3 × 1.4 और हाइट के बदले 2.2। ये एक बार तो उसके साथ कट जाएगा, यहाँ 3 के साथ तो कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड ही करना होगा, यहाँ पहले एलसीएम लेंगे फिर ऐड करेंगे तो आएगा 12.2/3, ये सब कुछ सॉल्व करने से आएगा 25.07 cm³। इसका मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन वन गुलाब जामुन 30% है, तो इक्वल्स टू 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 30/100 × 25.07, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ये वैल्यू इनटू 45। ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 338.4, राउंड ऑफ किया हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक इस तरह से पेन स्टैंड बना हुआ है जिसमें जैसे पेन रखने के लिए इस तरह से चार कोन के लिए उसमें गड्ढा किया हुआ है, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, अब उसमें से कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि वो गड्ढा हो गया तो वहां खाली है तो वहां वुड नहीं है ना, इस वजह से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखते हैं दोनों का, जैसे क्यूबॉइड का तो डायमेंशन है और सारा सेंटीमीटर ही है,
तो डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 525 सेंटीमीटर क्यूब। वहां बुक में लिखा है कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढा करके निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉनिकल डिप्रेशन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच, रेडियस दिया हुआ है 0.5 और डेप्थ दिया हुआ है 1.4। यहां से कैलकुलेट कर लेना खुद से, फिर लिखना वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यूबॉइड के बदले 525 माइनस 4 इंटू ये जो वैल्यू आएगा उसको यहां पुट कर देना, मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट, और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम वाला वर्कशीट सरफेस एरिया से बहुत इजी है, क्योंकि इसमें या तो वॉल्यूम ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सरफेस एरिया में कभी कभी ये सोचना पड़ता था टोटल निकालना है कि कर्व्ड निकालना है, और कभी कभी कर्व्ड निकालने के साथ एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप ऐड करना पड़ता था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 5 देखूं, एक वेसल है इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब इस तरह से कोन का हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, पूरा ऊपर तक इसमें पानी भर दिया गया, लिखा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है, कि उसमें अगर आप कुछ भी डालेंगे तो पानी गिरेगा, तो इसमें क्या डाला जा रहा है, लेड शॉट्स, LEAD लेड, मतलब लेड जो मटेरियल हम लोग पढ़े ना मेटल होता है, PB लिखा जाता है सिंबल, तो इसका शॉट्स, इसका गोल गोल बॉल टाइप का डाल रहे हैं अंदर, तो इतना डाल रहे हैं कि 1/4 पानी बाहर आ गया, तो इसका मतलब कितना सारा लेड शॉट्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, लिखेंगे फॉर कोन, क्योंकि यहां पर दो रेडियस है तो मेंशन करना होगा, फॉर कोन रेडियस कॉमा स्मॉल r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये होगा 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर और हाइट 8। अभी हम पाई को एज इट इज रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 200 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है कोन का। तो कितना पानी बाहर आया, उसका 1/4 आया, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका मतलब 1/4 इंटू 200/3 पाई, ये कट गया तो 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर आया। तो जितना पानी बाहर आया ना उतना सारा लेड, उतना ही लेड शॉट्स का वॉल्यूम था, इसका मतलब सपोज लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इक्वल्स टू 50/3 पाई। सपोज एक ग्लास में पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है जो है 700 ml, अब हमको अगर इसमें 50 ml सिरप डालना है, और ये ग्लास क्या है पूरा भरा हुआ है, अब गिर जाएगा अगर थोड़ा सा भी डालेंगे तो कुछ भी, तो हमको क्या करना होगा, पहले 50 ml पानी निकालना होगा फिर जाकर सिरप डालना होगा ताकि दोनों वॉल्यूम सेम हो,
तो ठीक इसी तरह से जब कोन के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उसके अंदर हम बॉल्स डाल रहे हैं लेड का, तो जितना पानी बाहर आया इसका मतलब लेड शॉट्स का वॉल्यूम उतना ही था। तो पहले हम लोग निकाले कि कितना पानी बाहर आया, 50 pi/3, तो इसका मतलब वॉल्यूम टोटल उतना ही दोबारा गया है। तो यहाँ लिख रहे हम एक्स इंटू, एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 pi, कैपिटल आर क्यूब ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया। रेडियस दिया हुआ एक एक बॉल का 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 50/3 है, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा और ये 0.5 का क्यूब नीचे आएगा। तीनों का ये हटेगा तो 1000 हो गया और फिर कट के आंसर आएगा 100। तो इसका मतलब 100 लेड शॉट्स अंदर डाला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है कि एक आयरन पोल है सिलेंडर के शेप में जिसका हाइट है h = 220 cm और बेस डायमीटर 24 है, मतलब रेडियस होगा 12 cm। ये कैपिटल आर कैपिटल एच ले लिया। अब इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा है जिसका हाइट है 60 और रेडियस है 8। तो रेडियस छोटा है ना, इसलिए हम इस तरह से दिखाएंगे। ये रहा एक दूसरा, इसका हम कर देते स्मॉल आर इक्वल्स टू 8 cm और स्मॉल एच इक्वल्स टू 60 cm। अब क्वेश्चन क्या है, मास निकालना है। बोला है अगर 1 cm³ के लिए 8 g है तो टोटल का मास कितना होगा। तो पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इंटू 8 करेंगे। तो वॉल्यूम पूरे शेप का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो यहाँ लिखेंगे, फिगर में सब कुछ दे दिया ना, तो यहाँ गिवन पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है। फ्रॉम द फिगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, फिर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच और पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। यहाँ पर पाई कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी बोला गया है कि पाई के बदले 3.14 यूज करना है। तो अभी एक बार पाई के बदले ऐसे ही रख रहे हैं, रेडियस के बदले 12² × 220, यहां रेडियस के बदले 8² और 60, तो ये 144 × 220। यहाँ से 3.14 कॉमन लेंगे तो 144 × 220 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर ऐड होगा और बाद में 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, मास। तो लिखेंगे मास इक्वल्स टू जो वॉल्यूम आएगा इंटू 8, क्योंकि अगर 1 cm³ के लिए 8 है तो इतने सारे क्यूब के लिए क्या होगा, इंटू 8, और यूनिट है ग्राम, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 करके केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका कैलकुलेशन खुद से कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 7 देखूं, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से कोन है। यहाँ पर कोन का हाइट दे दिया है 120, स्मॉल एच इक्वल्स टू 120 cm और दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा 60 cm। अब इसको क्या किया गया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाला गया है
ताकि ऊपर नीचे एकदम एग्जैक्टली ये टच करे साइड से और सब तरह से, इस तरह से अंदर घुसाया गया। पहले वो सिलेंडर के अंदर पानी था, अब जब ये शेप हम अंदर में घुसाएंगे तो पानी बाहर आएगा। तो बोला है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर में रिमेनिंग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका मतलब उसके अंदर उतना वॉल्यूम पानी था, और इस टोटल शेप का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अच्छा सिलेंडर का हाइट कितना होगा वो लिखा नहीं है, नहीं सॉरी दे दिया 180। तो यहां लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि सबका रेडियस सेम ही है, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई को एक बार ऐसे ही रखते हैं, रेडियस के बदले 60 स्क्वायर और हाइट के बदले 180। 60 का स्क्वायर 3600, 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा 648000 पाई। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो कोन प्लस हेमिस्फीयर होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, हेमिस्फीयर 2 पाई बाई थ्री पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब सॉरी। सबके बदले वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसका हाइट होगा 120, कॉमन क्या क्या आ रहा है पाई आ रहा है, 60 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और नीचे का 3 ले सकते हैं, तो यहां क्या बच रहा है 1/3 पाई और 60 स्क्वायर तो आ गया, यहां पर बस 120 बच रहा है, और इस साइड से क्या बच रहा है एक 2 है, और यहां 60 का क्यूब है लेकिन हम स्क्वायर कॉमन लिए, इसका मतलब 160 बच रहा है। ये 120 और 120 ऐड होकर हो गया 240, ये कट गया 80 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 288000 पाई, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिलेंडर का आया था 648000 और सॉलिड का आया 288000 पाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है, अब पाई के बदले 22/7 पुट कर सकते हैं। 3.14 मत लेना क्योंकि जब तक मेंशन नहीं होता है तब तक हम लोग 3.14 नहीं यूज कर सकते, ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे बाई 3 बार 100 बैठाएंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, बाद में 3 प्लेस डेसिमल और शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर बेसिकली आएगा 1.131 मीटर क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन 8 काफी सिंपल है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसका सिलेंड्रिकल नेक है, ये सब लैब वगैरह में देखा हुआ होगा। ये थोड़ा राउंड होगा इस तरह का, तो एक हेमिस्फीयर है उसका सिलेंड्रिकल नेक है, नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 होगा, और 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मतलब इसका रेडियस होगा 1, वेयर एज डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, मतलब इसका रेडियस होगा 8.5/2। तो एक चाइल्ड ये मेजर कर रहा था कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी अटेगा, उसका आंसर आया 345। चेक करना वेदर शी इज करेक्ट और नॉट,
तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और देखेंगे 345 आ रहा है क्या, और पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। तो सिंस यहाँ पर ऑलरेडी फिगर में सब कुछ लिख दिया है, तो फ्रॉम द फिगर वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से हम लोग आर स्क्वायर ऐसे कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो एक पाई को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो पाई के बदले 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और हाइट के बदले 8, यहां पर इसके बदले 8.5/2 का क्यूब। तो ये आ रहा है 3.14, 1 का स्क्वायर तो हट गया। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करना ही पड़ेगा। बाय 2 का क्यूब को मैं एक ही बार में 8 लिख दिए, एक बार तो ये कट हो गया। ओके, ये इससे कट नहीं रहा है 8.5। ये कट के आ गया 1.57, तो डिनोमिनेटर में 3 रह जा रहा है। तो जब यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, और जब ये सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 321.39। ऐड करेंगे तो आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उस चाइल्ड का कितना आया 345, तो नो शी इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर नो। यही आंसर था। तो एग्जाम में ऑब्वियसली ये पार्ट स्किप कर देगा, लेकिन ये शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए आएगा। सो कंप्लीट ऑल द 8 क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।